आज हम पढ़ेंगे नित्य वचन 16 का दूसरा और तीसरा। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तोलता है। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं सचमुच प्रभु का धन्यवाद करते कि यह वचन आपने बीच में लाया। प्रभु आज का खुदा का कलाम यही कहता है कि मनुष्य का सारा चलचलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता, परंतु यहोवा मन को तोलता है। तो हाँ मेरे प्यारे भाई बहन, अपन जो अपने अपनी ओर से अपन बोलते हैं कि पवित्र है, हम पवित्र है, लेकिन बोलने से कुछ नहीं होता है, यहोवा मन को तोलता है। तो अपने को अपने मन से, अपने हृदय से पवित्र रहना है, ना कि हर एक कामों बुरे कामों से दूर रहना है, बुरे वे विचार से दूर रहना है, और अपने आप को प्रभु के सामने नम्र और दीन बना के रखना, ताकि जो कोई पवित्र कहता है वो अपनी दृष्टि में पवित्र नहीं ठहरता है, लेकिन जो यहोवा को, यहोवा मन को तोलता है, उसकी दृष्टि में पवित्र बनो। अपने खुद की दृष्टि में नहीं पवित्र बनना है, अपने को यहोवा की दृष्टि में पवित्र बनना है। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस वचन को अच्छे से समझना और उस पर चलना और मनन करना, और अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। अपन जो कोई भी काम करते हैं तो पहले प्रार्थना कीजिए और अपने कामों को यहोवा पर डाल दीजिए, ताकि वो अपने लिए सीधी कल्पनाएं निकाले, मतलब सीधा मार्ग निकालेगा प्रभु। उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करते रहना और प्रार्थना करते रहना, और हर एक कामों को प्रभु के ऊपर डाल दीजिए, ताकि अपने कामों में प्रभु सहायता और मदद करे। हर एक भाई बहन ध्यान रखे, सभी को जय मसीह।